भगवान के एक भक्त थे बहुत बड़े, भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे, भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान से विनती किया कि प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, लेकिन मेरी कामना है आप ये पूरे गांव के लोगों को दर्शन दे दो अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। भगवान बोले ये सभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, आप मेरी भक्ति से अगर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं प्रभु, आप सारे गांव के लोगों को दर्शन दो। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप कल बोल दो 5 बजे भगवान का दर्शन होगा। ये घटना से मुझे ये दृष्टांत याद आया। बोले 5 बजे भगवान का दर्शन होगा, चलो। तो पंडित जी ने पूरे गांव में घोषणा कर दिया कि सब लोग चलिए, भगवान का दर्शन 5 बजे होगा। भगवान बोले हैं 5 बजे दर्शन दूंगा। सब लोग चल पड़े, बड़ी भीड़ उमड़ी, सब भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार हुए। दर्शन करने के लिए भगवान का जब सब रास्ते में चलने लगे तो थोड़ी दूर तक गए, और थोड़ी दूर जब आगे चलने लगे तो रास्ते में उनको नोटों का बहुत बड़ा ढेर दिखाई दिया, और कुछ लोग वही नोट के ढेर में इधर उधर उथल पुथल करते रहे, नोट देख देख करके परेशान होते रहे। महाराज बोले भगवान के दर्शन का समय हो रहा, चलो चलते हैं। कुछ लोग बोले कि देखो आप तो चले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, अब हम तब तक यहां हैं, भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे, भगवान का दर्शन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये नोट छोड़ करके जाते हैं तो ठीक नहीं है। अब उसी नोट के ढेर में वो लिपटे रह गए। तो संख्या कुछ कम हो गई, कुछ कम लोग हो गए, फिर आगे बढ़ चले। जो कुछ लोग और साथ में गए थे वो लोग भी बढ़े, चले जा रहे थे, कुछ दूर में हीरा का ढेर मिल गया, हीरा के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। तो हीरों के बड़े बड़े पहाड़ को देख करके कुछ लोग वहां रुक गए। बोले अब इतना बड़ा बड़ा हीरा का ढेर मिला है, अब पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये छोड़ के तो जाने लायक है नहीं। तो वो हीरा का ढेर छोड़ करके नहीं गए, वही रुक गए। बोले आप तो जाओ, हम तो भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे, हम अभी हीरा का ढेर देखेंगे, भगवान को देखें, भगवान को देखने से क्या मिलेगा, ये हीरा के ढेर में इसी तरह रहने दो। आगे चल पड़े, चले गए, फिर आगे बढ़ते चले गए। जो स्वर्ग में सुविधा मिलती है, जो व्यवस्था मिलती है, कल पुरवक्ष मिल गया, जो जो आपकी कामना हो वो प्राप्त करो, कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है। वो कल्प वृक्ष के बीच में बैठ करके वहां से तो कोई नहीं गया, अब भगवान बिचारे अकेले बैठे रह गए। भगत जी पहुंचे भगवान के चरणों में गिर करके बोले, बोले भगवान प्रयास तो किया था कि पूरे गांव को लेके आऊं, दर्शन करा दूं, लेकिन कोई आया नहीं भगवान। भगवान बोले यही माया है, तू चाहेगा कुछ और होगा कुछ, अब तू चाहता है दर्शन करवा दूं तो जिसको दर्शन नहीं बदा है उसको दर्शन नहीं होगा, सब कोई दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए आपको मना कर रहे थे कि दर्शन मत कराओ। लोभ और मोह से प्राणी इतना ग्रसित है, भगवान के दर्शन के लिए उसको टाइम नहीं है, भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है, और वहां पहुंचने के बाद में कोई चीज की कमी भी नहीं रह जाती है। जहां से हीरे के ढेर पैदा होते हैं, जहां से नोटों का ढेर पैदा होता है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा वही है, उसके यहां किसी ढेर की कमी नहीं है।